नमस्कार, मैं खेम सिंह। तो आइए अब हम इसका दूसरा भाग शुरू करते हैं। तो साथियों, जैसे कि आप सभी से मैंने एक वादा किया था, तो इस भाग में मैं आप सभी को टॉकबैक सेटिंग की कुछ, मतलब किस तरह से हमें टॉकबैक की यानी कि एक्सेसिबिलिटी की शॉर्टकट सेटिंग अपने फ़ोन पर एक्टिवेट करनी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो कुछ चीज़ें जाते जाते यानी कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा। तो अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और ध्यान रहे जो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने जा रहे होंगे तो हम उसका चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी आइटम को स्वाइप करने के लिए, जैसे पिछले पार्ट में बताया था, हम पीछे मतलब राइट से लेफ्ट की ओर स्वाइप करेंगे, और अगले आइटम में जाने के लिए राइट स्वाइप करेंगे, और प्रीवियस नेविगेशन के लिए ऊपर की ओर, और डाउन यानी कि अगले नेविगेशन के लिए जो है अब नीचे की ओर स्वाइप करेंगे। लेकिन अब स्वाइप किस तरह से करना है, मतलब पहले जैसे बाईं तरफ आपका हाथ है तो स्क्रीन पर रगड़ते हुए यानी कि स्क्रीन पर दाईं तरफ को ले जाना है टैप करते हुए, जैसे बाकी स्क्रोलिंग का इसमें मैं बताऊंगा कि आप स्क्रोलिंग आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन वैसे हमारे पास दो तरह से स्क्रोलिंग हो सकती है, लेकिन पहली जो मतलब पहला जो तरीका है वो हम आपको बता सकते हैं, जो कि दो अंगुलियों से होगा। अभी मैं एक लिस्ट पे ऐप लिस्ट है मेरे पास, इस पे जाता हूँ। यहाँ पे मुझे ऐप सूची स्क्रॉल करना है, तो अभी दो उंगलियाँ मैं स्क्रीन पर रखूँगा और शॉर्टकट माफ़ कीजिए, अभी मैं स्क्रीन पर दो उंगली रखकर ऊपर की ओर खींचूँगा तो किस तरह की आवाज़ आएगी। तो ये ऊपर की ओर स्क्रॉल हो गया है, और अभी हमारे पास लास्ट में पहुँच चुका है वॉइस। तो लास्ट आइकन है एट वॉइस, तो इससे आगे कोई आइकन नहीं है जो लास्ट को लास्ट में है। और अभी स्क्रॉल डाउन करता हूँ दो उंगली से, अगर बाकी बस स्क्रॉलिंग का बस यही है, और कि ऊपर से दो उंगली से नीचे करो, और स्क्रॉल अप के लिए ऊपर से दो उंगली से ऊपर की ओर स्क्रॉल करो। 8 का पृष्ठ एक कैमरा। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, हाँ कई बार हमें पेज बाय पेज भी स्वाइप करना होता है, तो उसके लिए आप स्वाइप करने के लिए दो उंगली से लेफ्ट से राइट आप कर सकते हैं, यानी कि दो उंगली से हम लेफ्ट करेंगे तो अगला पेज खुलेगा, जैसे कि 8 का पृष्ठ 2। तो ये दूसरा पेज खुला है हमारे, अभी कुछ ऐप लिस्ट है इस पेजों में 8 का पृष्ठ 3। तो ये मैं राइट से लेफ्ट को स्वाइप कराऊँ दो उंगलियों से। राइट से लेफ्ट स्वाइप करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हम स्वाइप ही करेंगे, या फिर लेफ्ट से राइट स्वाइप कर यानी कि राइट से लेफ्ट स्वाइप करके ये भी नहीं होगा कि हम पिछले पेज पे जाएंगे और लेफ्ट से राइट अगले, क्योंकि राइट से लेफ्ट स्वाइप करते हुए अगले पेज पर जाने का मतलब यही है कि जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो उसमें पेज पलटने के लिए भी हम राइट से लेफ्ट की ओर उसको पलटते हैं, ठीक है। मतलब जैसे पहला पेज हमारा पढ़ते हुए ख़त्म हो गया तो राइट साइड से लेफ्ट की ओर उसको हम पलटेंगे तो हमारा अगला पेज आएगा। बाकी ऑड और इवन का तो आपको पता ही है, मतलब जैसे हम पहला पेज, जैसे हम पेज नंबर 1 पे अभी A1 पे जाता हूँ। 8 का पृष्ठ 2, 8 का पृष्ठ 1। तो अभी मैं लेफ्ट से राइट स्वाइप करके गया हूँ यहाँ पर पेज नंबर 1 पे, मतलब कि लेफ्ट साइड से राइट को किया है मैंने, वो जो पिछले पेज है उन सबको। तो ये है पिछले पेज पर जाने की ट्रिक। तो अभी ये समझिए, जैसे अभी पहले पेज पर हूँ तो अगले पेज पर जाने के लिए मैं दो उंगली से राइट से लेफ्ट स्वाइप करूँगा। 8 का पृष्ठ 2। तो इससे हम अगले 8 का पृष्ठ 2। तो इससे हम अगले पेज पर जाएंगे। सेटिंग्स कार्रवाइयां। तो
हेडफोन। तो ये लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, मतलब कि राइट से लेफ्ट है पिछले पेज के लिए और लेफ्ट से राइट है मतलब कि लेफ्ट से राइट जो है वो पिछले पेज के लिए रहेगा और राइट राइट से लेफ्ट हम स्वाइप करेंगे, मतलब कि जैसे किताब में हम दाएं से बाईं ओर करते हैं पेजों को, तो वो अगले पेज के लिए होगा। तो इसमें भी सेम वही है। तो आज मैंने आप सभी को बताया स्क्रॉलिंग और हेडफोन दूसरी जो चीज़ें हैं आठ कपरिश टेक्स्ट। तो फ़ोन थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है बीच बीच में, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो अब हम उस सेटिंग को भी एक्टिवेट करने का आपको बताएंगे किस तरह से करेंगे उसको, लेकिन इससे पहले मैं ये कहूँगा कि पहले पार्ट को आप ज़रूर सुनिए तभी आप अगले पार्ट सुनना शुरू करें। तो सबसे पहले तो मैं एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में जाऊँगा कहीं से भी, बट सबसे पहले तो हमें सेटिंग में जाना होगा तभी आप एक्सेसिबिलिटी पर जा सकते हैं, वरना कहीं मैं एक्सेसिबिलिटी के पहुँचने के भी कई तरीके रहते ही हैं। तो सेटिंग के लिए मैं या तो ऐप लिस्ट पे भी जा सकता हूँ या फिर शॉर्टकट भी ले सकता हूँ। टेक्स्ट टू स्पीच क्रिएट ओब्रव ऐप सूची तो सूचना चयनित सिमी सेटिंग खोले। तो अभी मैं सेटिंग पे जा रहा हूँ नोटिफिकेशन बार से ऐप सूची सेटिंग्स। तो हमारे पास सेटिंग्स ओपन हो चुकी है। अब कईयों में बाहर भी होती है एक्सेसिबिलिटी सेटिंग, लेकिन मेरे पास एडिशनल सेटिंग पे है, यानी कि अतिरिक्त सेटिंग अगर कुछ हिंदी में भी चला रहे हो तो एक प्रबंधन सूची अतिरिक्त सेटिंग। तो यहाँ पे मैं चला गया हूँ अतिरिक्त सेटिंग और उसके बाद हमारे पास रहता है अतिरिक्त भंडारण सूची प्रक्रिया प्रबंध अवरोध मुक्त। अब एक्सेसिबिलिटी वैसे अगर इंग्लिश में बताऊँ तो एक्सेसिबिलिटी सेटिंग रहेगा वापस अतिरिक्त सेटिंग अवरोध मुक्त वापस सहभागी। मैं यहाँ पे चला गया हूँ अभी जो हमारी एक्सेसिबिलिटी सेटिंग है, यानी कि कईयों के पास हो सकता है सुलभता सेटिंग आए अवरोध मुक्त या कुछ और, लेकिन फिर एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में जाकर के आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बल्कि कुछ सेटिंग्स मैं इसकी बता रहा हूँ वो आप फॉलो कीजिए जो कि वापस अवरोध अभिगम्यता शॉर्टकट टॉकबैक। तो अभिगम्यता यानी कि एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट में आप जाइए या फिर किसी उसमें कई उसमें वॉल्यूम की शॉर्टकट के नाम से भी ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे हम जाएंगे सबसे पहले अभिगम्यता शॉर्टकट वापस जाएं और यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस हमारे पास अभी हैं अभिगम्यता शॉर्टकट। शॉर्टकट चालू होने पर आपको ये सुलभता सेवा शुरू करने के लिए आवाज की दोनों कुंजियों को 3 सेकंड तक दबाए रख सकते हैं। चालू स्विच सूची में है नौ आइटम। तो एंड्रॉइड 10 में कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखा रहा है, तो लेकिन जब आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको ये बताएगा कि इसका क्या काम है। अगर अभी मेरे पास ये सेटिंग ऑन है तो ऑफ करूंगा तो ये सेटिंग मेरे पास काम नहीं करेगी बंद। तो अभी मैं वॉल्यूम बटन दबाकर देखता हूँ, तो मेरे पास अभी ये सेटिंग काम नहीं करेगी। रिंगर कंपन वाइब्रेशन करता है। तो अभी मैं इस सेटिंग को ऑन कर रहा हूँ वापस जा अभिगम्यता शॉर्टकट चालू होने पर चालू। तो अभी मैंने ऑन कर दिया तो आप सुन सकते हैं। अभी मैं वॉल्यूम बटन दबा रहा हूँ दोनों, हो सकता है किसी उसमें पावर और वॉल्यूम बटन के सहायता से भी टॉकबैक को ऑन किया जा सकता हो, बट अभी मेरे पास ये सेटिंग वैसे है नहीं, बट फिर भी मैं अभी यहाँ से कोशिश करता हूँ टॉकबैक को ऑफ करने की। टॉकबैक बंद है। तो अभी जो है टॉकबैक ऑफ हो चुकी है। तो अभी मैं कहीं भी अभी मैं स्क्रीन पे टैप कर रहा होगा तो कुछ भी नहीं हो रहा होगा, कुछ भी मेरे पास अभी हो नहीं रहा। अभी मैं स्वाइप करता हूँ, मुझे किसी भी प्रकार का साउंड फीडबैक नहीं मिल रहा, यानी कि ना तो स्क्रीन रीडर मेरे पास काम कर रहा है क्योंकि टॉकबैक अभी मेरे पास बंद है। जब आपके पास ये सेटिंग एक्टिवेट नहीं होगी तो आपके पास भी
ऐसी दिक्कतें आएंगी बार बार टॉक बैक ऑन और ऑफ करवाने की। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़रूर सुनिएगा, तभी आप आगे भी सीख पाएंगे। तो अभी मैंने टॉक बैक ऑफ इसीलिए किया है ताकि आपको ये बता सकूँ कि अभी बिना टॉक बैक के क्या हम भी कुछ कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोग कर भी सकते हैं, लेकिन जो लोग नहीं कर सकते हैं वो लोग इस सेटिंग को ज़रूर एक्टिवेट करें। तो अभी तो मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, अगर मुझे ये पता होगा कि कौन सा आइकन कहाँ पर है, तब चाहे तो मैं बिना टॉक बैक के भी एक्सेसिबिलिटी या दूसरी सेटिंग चालू कर सकता हूँ। तो अभी मैं होम स्क्रीन पर आ रहा हूँ, तो होम स्क्रीन पर आ चुका हूँ मैं। टॉकबैक चालू है, तो अभी टॉकबैक ऑन हो चुका है मेरे पास। ऐप मार्केट तिथि और शुक्र 31। तो अभी दोबारा उसी सेटिंग पे जाता हूँ मैं। हाल ही सेटिंग्स अभिगम्यता शॉप। तो अभी सेटिंग पे गया हूँ मैं, तो मैं होम बटन दबाया था इसलिए मैं बाहर था स्क्रीन पर, तो आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे आया था कि किस तरह से मैं गया था। लेकिन होम बटन से मैं बाहर कैसे गया, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर होम बटन है। वही कुछ लोगों को भी मालूम रहता ही है कि जैसे आपका ओके वाला बटन होगा, कभी भी टॉक बैक बंद करके ओके करेंगे तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे ओके है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है। तो इसीलिए तो अभी मैं एक चीज़ और बताता हूँ इसमें आपको। अभिगम्यता शॉर्टकट। तो ये अभी ऑन है। शॉर्टकट सेवा टॉक बैक तो सक्रिय कर। तो शॉर्टकट सर्विस यहाँ पे मैं देखता हूँ क्या क्या है। शॉर्टकट सेव, वैसे तो हो सकता है शुरू में नो सर्विस हो, लेकिन यहाँ पे आपको टॉक बैक को सिलेक्ट करना है क्योंकि आप उसी को वॉल्यूम बटन की सहायता से ऑन और ऑफ करना चाहते हैं। इसीलिए सर्विस जो है टॉक बैक पर ही रखिएगा, तभी आप इसे ऑन कर सकते हैं। वापस शॉर्ट रंग बदलने की सुविधा चेक नहीं किया गया। शॉर्ट रंग में सुधार करने की सुविधा चेक नहीं। तो कई चीजें हैं जैसे रंग कलर चेंज करने की, रंग बदलने की सुविधा है यानी कि, या फिर हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट या कई और भी इसमें फीचर्स हैं। टॉकबैक है, सुलभता मेन्यू, एक्सेसिबिलिटी मेन्यू है, चुने और सुने, स्पीक सेलेक्ट टू स्पीक या चुने यानी कि चुने और सुने, एक्सेस स्विच करें, स्विच एक्सेस, शाइन प्लस है और शाइन प्लस, बाकी कुछ एप्लीकेशंस ऐसी भी होंगी अगर आपने डाउनलोड की होगी तो उसकी भी कुछ सर्विस यहाँ पे दिखाएगा। शॉर्टकट सेवा वापस ऑनिक विजन वापस जाए अभी। लेकिन कुछ लोगों के पास नो सर्विस भी होगा, बट आप उसको किसी तरह टॉक बैक पे कीजिए इसी सेटिंग को ऑन करके। मतलब पहले आपको ये सेटिंग एक्टिवेट करनी है, फिर आपको वो चीज़ ऑन करनी है, तभी आप टॉक बैक को अपने फ़ोन में किसी भी समय चालू और बंद कर सकते हैं, चाहे आप टॉक बैक का डेटा ही क्लियर क्यों ना कर दो तो भी। स्क्रीन लॉक होने पर भी उपलब्ध चालू और एक बंद, चालू एक ये वाली सेटिंग भी आप ऑन कीजिए, क्योंकि जब आपकी स्क्रीन लॉक होगी, गलती से आपने पासवर्ड भी होता ना लगाया हुआ सुरक्षा के लिए, अगर आपने स्क्रीन लॉक भी रखी है तो इस सेटिंग को आप ऑन कीजिए ताकि लॉक स्क्रीन में भी आप इस ऐप को लॉक स्क्रीन में भी आप इस शॉर्टकट को यूज़ कर सकें। क्योंकि कई बार हमारे फ़ोन के भी दो उपयोगकर्ता तो होते ही हैं, लेकिन जब स्क्रीन लॉक हो जाती है तो तब वे जो है तब आप जो है अगर ये सेटिंग बंद होगी तो आप तो देखकर पासवर्ड नहीं एंटर कर सकते। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि इस सेटिंग को आप ज़रूर ऑन कीजिएगा, तभी आप जो है अपना जो भी टॉकबैक है वो लॉक स्क्रीन में भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी मैं इस सेटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। तो ये था एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट सेटिंग को किस तरह से एक्टिवेट करना है, और इससे पीछे कुछ स्वैप भी मैंने बताए थे। तो साथियों, अभी हमारे पास और भी कुछ स्वैप्स रहते हैं, जैसे कि जिसमें कि हमें डबल स्वैप करना होता है, जैसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर,
दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। लेकिन इन स्वाइप्स के बारे में एक वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसे आप ज़रूर सुनिएगा और हो सकता है कि आगे मैं इस पर अच्छे से ट्यूटोरियल लेकर आ जाऊं। लेकिन एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगा आपसे कि आप एक्सप्लोर बाय टच के बारे में आप जानते ही होंगे। अब हम स्वाइप क्यों कर पाते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि हम स्वाइप तो करेंगे लेकिन वो खाली या तो सिंगल टच में होगा या फिर जो भी आइटम हम स्वाइप करना चाहते हैं वो उसको पढ़ नहीं रहा होगा। तो दिक्कत ये होगी कि जो एक्सप्लोर बाय टच है वो हमारा ऑफ होगा। तो इस पर भी मैं अगली वीडियो में ज़रूर लाऊंगा जिस पे मैं एक्सप्लोर बाय टच के बारे में बताऊंगा।